उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस कर्मियों ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि मथुरा में वरिष्ठ पुलिस के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ने निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक और पुलिस बल के नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से आगरा के पास ब्रज कृष्णा फैमिली भोजनालय है। मुख्य रूप से जानकारी मिलने पर पुलिस ने दबिश दी तो वहां पर एक महिला समेत 4 व्यक्तियों को अनैतिक व्यापार के अधिनियम 1956 के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है। क्षेत्राधिकारी छाता वरुण कुमार सिंह, प्रभारी अशोक कुमार निरीक्षक सोहनवीर सिंह, उप निरीक्षक सुंदर कसाना, दीपक गौतम, सुलेखा यादव और अन्य प्रभारियों के निर्देशन में सभी आरोपियों को जेल भेजा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक शराब की बोतल, मैजिक मोमेंट से भरी हुई एक कोका कोला की बोतल के साथ एक बैग में 4 मोबाइल, कुछ पैसे, आधार कार्ड समेत होटल के रजिस्टर भी बरामद किए गए हैं। ये थाना छाता जनपद मथुरा का प्रकरण है। थाना छाता क्षेत्र से एक हनी ट्रैप गैंग की सूचना, सक्रिय होने की सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी। इस सूचना पर बीती रात थाना छाता की पुलिस द्वारा एक होटल पर रेड किया गया, जहां से एक युवक और एक युवती आपत्तिजनक स्थिति में मिले। साथ ही उनके पास से आपत्तिजनक सामग्रियां भी प्राप्त हुई हैं। बाद में उनसे कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर इस गैंग के 2 और सदस्यों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है। इस गैंग के 2 और सदस्य अभी फरार हैं। इन सभी के विरुद्ध बहरहाल पुलिस अपनी होशियारी से चौकन्नी रहे तो इसके तहत अनैतिक व्यापार को रोका जा सकता है और आरोपियों को उनके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ 15।